स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिर प्रशासन द्वारा देश के लिए शहादत देने वाले शहीदों के परिजनों को गांव में जाकर सम्मानित किया गया। इंद्री के तहसीलदार दर्पण कंबोज आज गांव खेड़ी मानसिंह में पहुंचे और सुकमा के शहीद राम मेहर के पिता पूर्ण सिंह को सरकार व प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया गया। लड़का शहीद हो गया था, बाकी माँ प्रशासन है हमारा मान सम्मान करे, इस मामले में बहुत खुशी है। बाकी माँ जो प्रशासन बहुत अच्छे काम कर रहे और अच्छा काम है के लिए शहीद होया, सम्मानित करें हम 15 अगस्त को। बाकी लोगों से जी हम तो एक बहुत अच्छा काम करे। इस अवसर पर शहीद उधम सिंह समिति के अध्यक्ष MS निर्मल व गांव के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आज हम जो रामेश जी हैं जो शहीद हुए थे उनके पिताजी को हम सम्मानित करने के लिए आए थे, जो कि शहादत उन्होंने दी है उनके बच्चों ने, तो उसके जो फलस्वरूप जो हम आज़ादी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो शहीद हो रहे हैं सारे ही स्वतंत्र सेनानियों, उनकी बदौलत ही है कि हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। और उसी के कड़ी में इनके पुत्र भी 2017 में छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे। तो पूर्णचंद जी घर हम इसीलिए आए हैं कि उनको कल, क्यों वैसे तो हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे फंक्शन में हमेशा ही इनको लेके जाते थे, लेकिन कोरोना के करके और इनकी उम्र भी लगभग 70 साल है, तो इसलिए हम ये, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज फैक्टर के हिसाब से, हम इनको एक दिन पहले ही 14 तारीख को ही हम इनके घर पर ही सम्मानित करने के लिए आए। युवाओं को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रिकॉशन अगर अपनी सावधानी रखेंगे, जैसे कि मास्क का प्रयोग करें, मास्क ये नहीं है कि मास्क ही लगाएं, जैसे मैंने लगाया हुआ है कपड़े का बना हुआ है सिंपल ट्रिपल लेयर, तो ऐसा मास्क ले सकते हैं, पढ़ना भी ले सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं डबल लेयर करके, तो उससे एटलीस्ट आप किसी और को संक्रमण में आने से रोक सकते हैं अगर आपको खुद को है। और दूसरों से बचाव के लिए सैनिटाइज़र यूज़ करें, या बार बार दिन में कई बार हाथ धोएं, अगर बाहर जाके आते हैं घर में कोई भी वस्तु कुछ भी चीज़ एंटर करने से पहले सबसे पहले अपना हाथ धोएं, और स्नान भी दो बार अवश्य करें कम से कम, ताकि ये संक्रमण फैलने से रोका जा सके। और इन दिनों संक्रमण से काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, वो इसीलिए है, अगर वो रोकथाम करनी है, हमें चेन तोड़नी है, तो हमें सभी व्यक्तियों को, चाहे वो जवान हैं चाहे बच्चे हैं बुज़ुर्ग हैं, सबको इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, ताकि इस महामारी को हम चेन को तोड़ सकें।